नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज हम राजस्थान के उन दिग्गज नेताओं की बात करेंगे जो 2018 तक पार्टियों में एक अहम रोल निभाते थे। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी, यूनुस खान बीजेपी और कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी। लेकिन 2019 में पार्टियों ने इन नेताओं को खास तवज्जो नहीं दी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी रैलियां व सभाएं भी आपने देखी होगी। यूनुस खान और वसुंधरा राजे दोनों ही गायब रहे। उपचुनाव में भी ये दोनों नेता लगभग गायब ही रहे। रामेश्वर डूडी की बात करें तो अभी हाल ही में आरसीए विवाद हुआ था। आपको पता होगा अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत आरसीए अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जो है जयपुर में काफ़ी विवाद हुआ था। आरसी विवाद की जो ये घटना थी ये सोनिया गांधी तक भी पहुंच गई थी। आरसी विवाद को लेकर डूडी समर्थक है वो अपने ही पार्टी के खिलाफ उतर गए थे। तो आपको बता दें बीजेपी के नेता यूनुस खान और वसुंधरा राजे की जो 2018 में एक अलग ही धाक थी, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टियों ने इन तीनों नेताओं को कोई खास तवज्जो नहीं दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।